हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी अबाउट क्लास 9th सब्जेक्ट ज्योमेट्री है, स्टैंडर्ड 9th के लिए देखते हैं हम। और 9th लेसन है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसका प्रॉब्लम सेट 9 आज हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, इफ़ डायमीटर ऑफ अ रोड रोलर इज 0.9 मीटर। एक रोड रोलर होगा और वो रोड रोलर का डायमीटर जो है, सो ये है रोड रोलर और उसका डायमीटर जो है वो है 0.9 मीटर, और अगर उसकी लेंथ होगी 1.4 मीटर। अब ये तो सर्कल हो गया, सो रोड रोलर कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा ना, है ना। और ये इधर भी, और इसकी लेंथ कितनी है 1.4 मीटर। सो हाउ मच एरिया ऑफ अ फील्ड विल बी प्रेस्ड इन इट्स 500 रोटेशन। अगर वो 500 रोटेशन करता है तो कितना लैंड का एरिया प्रेस हो जाएगा, क्योंकि रोड रोलर का काम ही है प्रेस करना। तो उसके लिए डायमीटर की नहीं तो रेडियस की जरूरत होगी हमें, क्योंकि फॉर्मूला तो हम आगे देखेंगे ही। सो डायमीटर पर देख रहे हैं, डायमीटर इज इक्वल्स टू 0.9 मीटर, हेंस रेडियस कितनी रहेगी इज इक्वल्स टू 0.9 बाय 2 इज इक्वल्स टू 0.45 मीटर। इतनी रेडियस तो हमको मिल चुकी है। लेंथ यानी कि उसकी हाइट बोल सकते हैं हम, तो हाइट उसकी देकर है हमको h इज इक्वल्स टू 1.4 मीटर, ठीक है। सो अब एरिया कितना वो कंप्लीट करेगा वन रोटेशन में। सो एरिया ऑफ अ फील्ड प्रेस्ड इन वन रोटेशन, पहले तो वन रोटेशन हमको निकालना होगा ना, तो वन रोटेशन में कितना एरिया कंप्लीट करेगा, 2πRh। सो 2 इंटू पाई की वैल्यू हम 0.45 है, इसलिए 22/7 ले लेंगे, क्योंकि 7 से डिवाइड होता है क्या वो देखना है, इंटू आर इंटू एच, ठीक है। सो ये हो गया उसका वन रोटेशन का एरिया कितना कंप्लीट करेगा वो। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सो 3.96 स्क्वायर मीटर इतना एरिया उसका आ जाएगा। अब ये तो था वन रोटेशन का, अब उसके बाद 500 रोटेशन का कितना होगा। सो हेंस फॉर 500 रोटेशंस, 500 रोटेशंस के लिए कितना होगा, वन रोटेशन मल्टीप्लाई बाय 500। सो इसका आंसर देखेंगे तो 1980 स्क्वायर मीटर इतना एरिया वो प्रेस कर लेगा 500 रोटेशन में। सो स्टूडेंट, ये था हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो चलो सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। टू मेक एन ओपन फिश टैंक अ ग्लास शीट ऑफ 2 मिलीमीटर गेज इज यूज्ड। अब एक फिश टैंक बनाने की है जो ओपन रहेंगी, ऊपर से ग्लास शीट चाहिए 2 मिलीमीटर गॉज वाली, यानी उसकी क्या बोलेंगे हम, जाड़ी, ओके विड्थ। द आउटर लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ये देकर है 60.4, 40.4 और 40.2। हाउ मच मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी कंटेन इन इट, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितना पानी बैठ सकता है। तो ग्लास शीट का गॉज मिलीमीटर में दिया है, तो सबसे पहले हमको इसको सेंटीमीटर में करना होगा। सो गॉज ऑफ ग्लास शीट का गॉज कितना है, 2 मिलीमीटर मीन्स 0.2 सेंटीमीटर, क्योंकि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 10 करना होगा आपको। उसके बाद है टैंक की लेंथ देकर है, लेंथ ऑफ टैंक 60.4 सेंटीमीटर देकर, इसलिए हेंस इनर लेंथ। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पता है क्या, ये है ग्लास, ठीक है, इसका बना रहे हैं वो क्यूब, ठीक है, नहीं क्योंकि टैंक बना रहे हैं ना, तो इसलिए ये जितनी लेंथ होंगी कितनी 0.2 सेंटीमीटर, तो ये तो जाड़ी होगी उसकी। अब अंदर की बात चालू है तो ये 0.2 तो माइनस करना ही होगा ना, सो इसलिए इसको 60.4 माइनस 0.2 करना होगा, ओके। अब ये क्यों कर रहा हूँ मैं, अंदर की लेंथ यानी अंदर का एरिया चाहिए हमको, बाहर का आप तो वो तो होगा कैंसल, बट ये कितने लगेंगे, 2 लगेंगे ना, इसलिए 0.2 को क्या करेंगे, 2 से हमको मल्टीप्लाई करना होगा ना, ये 2 कांच लगेंगे ना, ओके। सो 60.4 माइनस 0.4 इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर हमको लेंथ मिल गई है। उसके बाद इनर ब्रेड्थ, अब इनर ब्रेड्थ क्या भी वैसा ही रहेगा, 40.4 माइनस 0.4 इज इक्वल्स टू
40 सेंटीमीटर, और फिर रहेंगी इनर हाइट। सो इनर हाइट ये भी रहेगी 40.2 माइनस 0.4। अब ये हो गई इनर हाइट माइनस 0.4, बट इन्होंने क्वेश्चन क्या बोला है, ओपन फिश टैंक, इसका मतलब हाइट कितनी रहेंगी, एक ही रहेंगी ना, ऊपर तो कुछ है ही नहीं। सो इसलिए 0.2 एक बार ही माइनस होगा, तो ये भी होगी 40 सेंटीमीटर। अब हमको लेंथ पता हो गई, ब्रेड्थ पता हो गई, और हाइट पता हो गई। सो हेंस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड शेप टैंक, क्यूबॉइड शेप टैंक का वॉल्यूम कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट, वो रहेगा 60 × 40 × 40। सो ये 1 2 3 1 2 3, 4 4 16 एंड 16 6 96 96,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतना उसमें वाटर बैठ सकता है। ओके, उसके बाद चलो क्वेश्चन थर्ड देख लेंगे। इफ द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ अ कोन इज 5:12, रेडियस जो बेस की रहती है, एक कोन है ये बेस, सपोज ये होगा 5 तो ये हो गया 12। ठीक है, ये उसका रेशो देकर उसकी वॉल्यूम होगा 340 क्यूबिक मीटर, तो उसका परपेंडिकुलर हाइट और स्लैंट हाइट ये हमको पूछी गई है। सो लेट एक्स बी देयर कॉमन मल्टीपल, सपोज एक्स ए कॉमन मल्टीपल है, हेंस रेडियस इज इक्वल्स टू 5x एंड हाइट इज इक्वल्स टू 12x। ओके, सो ये तो हमको मिल गया है। उसके बाद पहले तो वॉल्यूम पता कर लेंगे हम। सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1/3πr²h। अब देखो उन्होंने परपेंडिकुलर हाइट पूछी है ये, तो इसका मतलब उन्होंने क्या दी होंगी, स्लैंट हाइट, तो ये स्लैंट हाइट है। हाँ, सो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3πr²h, सो 1/3 × 3.14 × r कितना है 5x, इसका स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 12x, और ये वॉल्यूम कितना देकर है 314 क्यूबिक मीटर। ओके, तो चलो इसको सॉल्व करेंगे हम। 314 इज इक्वल्स टू 3.14 × 25x² × 4x, क्योंकि 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। सो 314 इज इक्वल्स टू 314x³। ठीक है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 25 × 4 = 100, सो 3.14 का 300 होगा। सो 314 upon 314 इज इक्वल्स टू x³, हेंस x³ इज इक्वल्स टू 1, हेंस x इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो x की वैल्यू तो आ गई 1। सो रेडियस इज इक्वल्स टू, रेडियस कितनी थी 5x इज इक्वल्स टू 5 × 1 इज इक्वल्स टू 5, एंड स्लैंट हाइट जब तो उसको सिर्फ हाइट ही नाम देता हूं, हाइट इज इक्वल्स टू 12x इज इक्वल्स टू 12 × 1 इज इक्वल्स टू 12 मीटर। ठीक है, सो रेडियस बेस का और हाइट मिल गई है हमको। अब परपेंडिकुलर हाइट पूछी गई है, सो परपेंडिकुलर एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो एल कितना है, यही तो पूछा गया है, आर स्क्वायर 5² प्लस एच स्क्वायर 12², सो 25 + 144 इज इक्वल्स टू 169, हेंस L इज इक्वल्स टू 13। L की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो ये था हमारे क्वेश्चन का आंसर। चलो क्वेश्चन फोर्थ देख लेंगे। फाइंड द रेडियस ऑफ स्पीयर इफ इट्स वॉल्यूम, स्पीयर की रेडियस पता करनी है अगर उसकी वॉल्यूम देकर होगी तो हमको इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, स्पीयर की वॉल्यूम कितनी रहती है 4/3πr³। सो 4/3π मीन्स 3.14 × r³, और वॉल्यूम ऑफ स्पीयर देकर है सो 904.32। ओके,
सो 904.32 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 3.14 इज इक्वल टू आर क्यूब। सो इसको अगर हमने सॉल्व कर दिया तो 216 इसका आंसर आएगा, हेंस आर इज इक्वल टू 6, क्योंकि 6 का क्यूब है 216। सो रेडियस हमको मिल चुकी है। उसके बाद है क्वेश्चन 5th, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया देकर है तो इसकी वॉल्यूम पता करनी है। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना रहता है, 6L स्क्वायर ये देकर है 864 इज इक्वल्स टू 6L स्क्वायर। सो 864 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू L स्क्वायर, ये कितना आएगा 144, hence L is equals to 12. L की वैल्यू 12 आ गई। अब वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू L क्यूब इज इक्वल्स टू 12 का क्यूब, जो कि रहेगा 1728 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो ये भी आंसर हमारा हो गया। ये कुछ इतना हार्ड तो नहीं था। फिर है क्वेश्चन 6th, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इफ इट सरफेस एरिया। अब फिर से वैसा ही क्वेश्चन पूछे कि सरफेस एरिया देकर है, सो स्पीयर की वॉल्यूम हमको पता करनी है। सो सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू 4πr². सो 154 इज इक्वल टू 4 इंटू 22 बाय 7 इंटू आर स्क्वायर, ये वैल्यूज यहाँ पर लेकर चलेंगे, 154 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, हेंस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 अपॉन 4, हेंस आर इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 2। अब देखो इसको सॉल्व करता था मैं अगर तो डेसिमल पॉइंट में आंसर आता था, फिर स्क्वायर रूट निकलना हार्ड जाता था। सो 7 बाई 2 इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको बाद में 3.5 आप कर सकते हो। उसके बाद है वॉल्यूम पूछा गया था ना, सो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, स्पीयर का वॉल्यूम क्या रहता है, 4/3πr³। सो इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू 22 बाय 7 इंटू आर क्यूब, मीन 7/2 का क्यूब। सो 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, ओके। सो एक 7 तो यहाँ पर कट हो गया, 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 2 11 2 22। सो ऊपर क्या बचा, सिर्फ 11 इंटू 7 इंटू 7 और नीचे है 3, ओके। सो ये आ गया 539/3, और जिसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आएगा 179.67 क्यूबिक सेंटीमीटर, ओके। तो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमको फार्मूला पता होना चाहिए और थोड़ी सी उसकी टेक्निक, जो आपको फार्मूला के हिसाब से यानी जिसकी वैल्यू देकर है उसका ही फार्मूला यूज करना है। सरफेस एरिया देकर है तो मैंने सरफेस एरिया का फार्मूला यूज कर लिया। उसके बाद है क्वेश्चन 7th, टोटल सरफेस एरिया देकर है कौन का 616 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 3 टाइम्स ये रेडियस के ज्यादा है तो उसकी स्लैंट हाइट कितनी होगी। सो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का टोटल सरफेस एरिया कितना है, पाई आर आर प्लस एल, ओके। सो 616 देकर टोटल सरफेस एरिया, पाई की वैल्यू तो 22/7 लेंगे हम, इंटू आर इन ब्रैकेट आर प्लस लेंथ कितनी है बोलते रेडियस के 3 टाइम्स, सो इसको 3R कर दो ना। आई बात समझ में आ रही है, ये एल के जगह पे 3R कैसे आया, क्योंकि लेंथ जो है वो रेडियस की कैसी है, 3 टाइम्स, तो इसलिए 3 बार। सो 616 इंटू 7 अपॉन 22, ठीक है, ये इसको डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई, तो इधर डिवाइड करने को गया मैं। सो आर इन ब्रैकेट आर प्लस 3R 4R, ओके। उसके बाद 616 इंटू 7 अपॉन 22 इज इक्वल्स टू 4R² आप चलो ये 4 को भी लेकर चलते हैं, 616 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 4 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये आएगा 49, इसको सॉल्व किए तो हेंस आर इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, ये हमको आंसर हमारा मिल जाता है।
उसके बाद है स्लैंट हाइट पूछी थी ना, तो स्लैंट हाइट इज इक्वल टू 3R इज इक्वल टू 3 × 7 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन 8। सो द इनर डायमीटर ऑफ अ वेल, एक कुआ है उसके अंदर की डायमीटर जो है वो है 4.20 मीटर, उसकी डेप्थ है 10 मीटर। सो उसका इनर सरफेस एरिया आपको निकालना है, और अगर उसके अंदर से प्लास्टर करना है और 52 रुपीज पर स्क्वायर मीटर लगते हैं तो उसके खर्चा कितना आएगा। चलो सॉल्व करेंगे हम। देखो स्टूडेंट्स, डायमीटर देकर है ना, सो हमको डायमीटर नहीं चाहिए होती, हमको चाहिए होती है रेडियस। तो डायमीटर इज इक्वल्स टू 4.20, हेंस रेडियस इज इक्वल्स टू 4.20/2, तो 2.1 मीटर इतनी रेडियस मिल गई। हाइट तो ऑलरेडी देकर है 10 मीटर। ओके, सो इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया कितना देकर है 2πRh, सो 2 × 22/7 × 2.1 × 10। सो इसको सॉल्व करो, 132 स्क्वायर मीटर इतना उसका इनर सरफेस एरिया आ जाएगा। अब कॉस्ट फॉर 1 स्क्वायर मीटर ऑफ प्लास्टरिंग, एक स्क्वायर मीटर को कितने रुपीस लगा रहे हो 52, हेंस फॉर 132 स्क्वायर मीटर 132 को कितने लगाएंगे, सो 132 × 52, सो ये आएगा 6,864 रुपीस, इतने रुपीस वो लगाएंगे। सो स्टूडेंट, ये था हमारे क्वेश्चन 8 का आंसर। चलो क्वेश्चन 9th और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। द लेंथ ऑफ अ रोड रोलर इज 2.1 मीटर, उसकी लेंथ है 2.1, डायमीटर है 1.4 मीटर। फॉर लेवलिंग अ ग्राउंड, ग्राउंड को लेवल करने के लिए 500 रोटेशन उसके जरूरी है। हाउ मच एरिया ऑफ द ग्राउंड वॉज लेवल्ड बाय द रोलर, तो कितना एरिया वो लेवल करेगा, और 7 रुपीज पर स्क्वायर मीटर अगर उसके रेट लगाया जाए तो उसके खर्चा कितना आएगा। ओके, सो रोड रोलर की लेंथ देकर है, लेंथ इज इक्वल टू 2.1 मीटर, और यही क्या है हाइट भी है, लेंथ यानी कि इसमें हाइट की बात चल रही है। डायमीटर देकर है, डायमीटर है 1.4 मीटर, हेंस रेडियस कितनी होगी 1.4/2, 0.7 मीटर इसकी रेडियस होगी। ओके, अब ये जितना एरिया इसका कर्व होगा, कर्व मतलब जितना एरिया इसका घुमा हुआ होगा रोलर का, उतना ही वो क्या करेगा, उतनी जगह वो प्रेस करेगा। आ रहा ना समझ में, बात समझ में आ रही, जितना वो गोल गोल घूमेगा तो ये क्या होगा, गोल घूमना, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या है, जितनी उतनी जगह वो प्रेस करेगा। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर, रोड रोलर का कर्व सरफेस एरिया 2πRh। ओके, सो ये हो गया 2 × 22/7 × 0.7 × 2.1, सो इसको सॉल्व करो, 9.24 स्क्वायर मीटर इसका आंसर आएगा। उसके बाद है, सो ये है फॉर वन रोटेशन, ये एक रोटेशन में इतना एरिया प्रेस करेगा। सो फॉर 500 रोटेशंस, 500 रोटेशंस में कितना करेगा, सो 9.24 × 500, सो 4,620 स्क्वायर मीटर। ओके, अब है फॉर 1 स्क्वायर मीटर रेट ऑफ लेवलिंग, लेवलिंग का रेट कितना है 7 रुपीज़, सो इसके लिए कितना, सो फॉर 4,620 स्क्वायर मीटर 7 × 4,620, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो उसका आंसर आएगा 32,340, इतने रुपीस उसको लेवल करने के लिए लगेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा प्रॉब्लम सेट, यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम सेट खत्म होता है। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आता होगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।